हेलो दोस्तों, क्या आपने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे यहाँ पर क्रिएटर अकाउंट या फिर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके रखा है और वहाँ पर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर रहे हैं तो वहाँ पर प्राइवेट नहीं होता है, तो आप उसको यहाँ पर कैसे इनेबल कर सकते हैं? यानी कि अपने वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि आप अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट कैसे कर सकते हैं, भले ही प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेस कोई भी आपका अकाउंट हो। तो यहाँ पर देखिए, मेरी प्रोफाइल में यहाँ पर ऊपर साफ साफ शो कर रहा है कि मेरा यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर क्रिएटर अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रिएट हुआ है। उसके लिए सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पर थ्री लाइंस के ऊपर सबसे ऊपर क्लिक करता हूँ, सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है अकाउंट प्राइवेसी, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर प्राइवेट अकाउंट करने का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख के आ चुका है, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर अकाउंट प्राइवेट फर्स्ट स्विच बैक टू ए पर्सनल अकाउंट। यानी कि हमें अपने इस बिजनेस अकाउंट या फिर क्रिएटर अकाउंट जो हमने बना रखा है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्रिएट करना है, यानी कि इसको स्विच कर देना है पर्सनल अकाउंट के अंदर। यहाँ पर देखिए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो यहाँ पर अभी शो कर रहा है वो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के अंदर नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्सनल स्विच करने के लिए आपको थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल के ऊपर। अब जस्ट आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो हो जाएगा स्विच अकाउंट टाइप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो करेगा, स्विच टू पर्सनल अकाउंट और स्विच टू बिजनेस अकाउंट। क्योंकि हमने क्रिएटर अकाउंट क्रिएट कर रखा है, इसीलिए हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट या फिर बिजनेस अकाउंट करने को दे रहा है, तो हम लोग क्लिक कर देंगे स्विच टू पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर कुछ टाइपिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका पर्स भी सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं स्विच टू पर्सनल अकाउंट के ऊपर। अब देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा अपने प्रोफाइल के अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा जैसे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर जो हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वो यहाँ से हमारा हट जाएगा, जैसे हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर करेंगे। अब देखिए, हम लोग दोबारा से सेटिंग एंड प्राइवेसी को ऊपर क्लिक करते हैं एंड अकाउंट प्राइवेसी को ऊपर क्लिक करते हैं। अब हम लोग यहाँ से अपना जो प्राइवेट अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए, हम लोग यहाँ पर स्विच टू प्राइवेट का यहाँ पर ऑप्शन भी हमको शो हो रहा है। अब देखिए, हम लोग स्विच टू प्राइवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है और हमारा अकाउंट जो है प्राइवेट हो चुका है। सो इसी तरीके से आप अपने बिजनेस अकाउंट या फिर क्रिएटर अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में क्रिएट करके अपने अकाउंट को यहाँ पर प्राइवेट कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मुझे इंस्टा फेसबुक फॉलो